हाँ मेरी अभी वाली आवाज़ और जब मैं इस पोजीशन में बोलूँगा तो उसमें अंतर है। तो देखो, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग विद गौरव। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो मैंने पर्टिकुलर मेल्स के लिए बनाई है। जेंट्स, मैंस, बॉयज़ सभी देख सकते हैं इसको, मतलब देख सभी सकते हैं, बट जो वीडियो का मोटो है वो सिर्फ मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। सो गाइज, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू गेट डीपर वॉइस। हाउ टू गेट डीपर वॉइस, डीप मीन्स गहरी आवाज़, एक भारी आवाज़। तो इस पर मैंने कुछ सोचा था तो मैं सुनाता हूँ। चीखती चिल्लाती आवाज़ दूर तक जाती है, चीखती चिल्लाती आवाज़ दूर तक जाती है, बट भारी आवाज़ गहरी आवाज़ असर कर जाती। तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा यार कि अगर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं उस बीच में कोई भारी आवाज़ है जो एक गहरी आवाज़ के साथ, डीप वॉइस के साथ कोई बोल रहा है, तो सबका ध्यान, मतलब वो एक अलग सुनाई देती है, उसको ऊंचे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी आवाज़, अगर किसी की आवाज़ में दम है, कहता है ना आवाज़ में दम होना चाहिए, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट डीपर वॉइस। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो यार देखो, डीप वॉइस का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि असर करती है आवाज़। आप कहीं बात करोगे, देखो एक आवाज़ है एग्रेशन वाली कि हाँ क्या है, ये एग्रेशन नहीं, एक स्वीट सी डीप वॉइस। तो उस वॉइस को कैसे, देखो एक एज के बाद, मतलब मेल की आवाज़, जेंट्स की आवाज़, बॉयज़ की आवाज़, उसमें थोड़ा भारीपन आता है। अगर आपकी आवाज़ में वो भारीपन नहीं आया है और आप उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो टीन एज है, ठीक है, उसको क्रॉस कर चुके हैं और आपकी आवाज़ अभी भी पतली है, तो आप कैसे अपनी आवाज़ को भारी बना सकते हैं? तो देखो यार, सिंपल सा तरीका ये है, देखो क्यों होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है और आपको खुद भी बताया कि असर करती है भारी आवाज़। अगर आपकी आवाज़ में दम है तो वो असर करती है, तो वो कैसे अपनी आवाज़ को भारी कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहला तरीका यह है ना, जब भी आप बोलते हो तो यहाँ पर, मतलब वाइब्रेशन के साथ यहाँ से बोलने की कोशिश करो, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, तो वाइब्रेट करते हुए आपने बोलना है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपने वाइब्रेट करते हुए, मतलब आपकी आवाज़ को यहाँ से निकालने की कोशिश करो कि आपकी आवाज़ गले से आए हैं, ठीक है, हेलो हेलो। तो ये और पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि ओम, ठीक है, हम बोलते हैं ना ओम, तो ये हम स्कूल में भी, हमारे प्रेयर होता है, मेडिटेशन होती है, तो उसमें हम ओम का जाप करते हैं, तो आपने वो प्रैक्टिस करना है, आ ओम, मतलब इसमें तीन है, आ ओ म, ठीक है, आ ओ म, तो इन तीनों को, इसको आपने प्रैक्टिस करना है कि ओम, आपने ओम ही ओम इस टाइप से आपने बोलना है और कोशिश करनी है कि आवाज़ गले से आए, मतलब भारी आवाज़ आए, वाइब्रेट करते हुए आवाज़ आए। और एक तरीका और है, बट वो थोड़ा सा फनी है, वो मतलब आपको हंसी आएगी उसको सुन के, बट ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको बोलना है, आपको पोजिशन बता दूँ, आपने ऐसे, ठीक है, इस पोजिशन में रहना है और आपने बोलना है किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूँ, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ मेरी अभी वाली आवाज़ और जब मैं इस पोजिशन में बोलूँगा तो उसमें अंतर है। तो देखो, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग। सो गाइस, फनी है, आई नो फनी है, बट ये काम करता है और इसको ट्राई करके ज़रूर देखना है, आपको खुद ही, मतलब ना खुद अंतर लगेगा कि हाँ यार, मतलब ये डेली आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी है। और ये दो तीन तरीके हो गए, और आपकी आवाज़ भारी और कैसे हो सकती है, देखो जब भी आप बोलते हो तो आपको नाक से आपने आवाज़ को, जो आपकी साउंड रिलीज़ होगी वो आपने कोशिश करनी है कि नाक से ना हो। तो वो कोशिश कैसे करोगे आप, जब भी आप बोल रहे हो तो बोलने में क्या है, एयर रिलीज़ होती है ना, तभी तो आवाज़ आती है, मतलब हमने ओ बोला तो एयर रिलीज़ हो रही है, और इस शेप में हम एयर रिलीज़ करेंगे तो ओ आएगा, आ, अगर मुंह खोल के एयर रिलीज़ करोगे तो आ। तो इस टाइप से आप जब भी बात करोगे, जब भी बोलोगे, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो एयर रिलीज़ हो रही है वो नाक से बिल्कुल भी ना हो, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ यार मेरी आवाज़ में ना थोड़ा सा डीपनेस आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ मेरी डीप हो रही है, गहरी हो रही है, आवाज़ में दम आ रहा है। तो देखो, गहरी आवाज़ का मेन ये है कि आप जहाँ पर भी बोलो तो आपकी आवाज़ में दम हो, लोग, मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो अगर आवाज़ में दम है ना, जैसे अब अमिताभ बच्चन जी को देख लो आप, उनकी आवाज़ बहुत गहरी है, मतलब मैं इतनी गहरी बनाने को भी नहीं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि इतनी भी गहरी नहीं, बट एक लिमिट तक,
पर उनकी आवाज़ देखो कि आप भारी बने, अगर वो कुछ बोलते हैं तो क्या मतलब वो डायलॉग आइकॉनिक हो जाते हैं सारे जो भी वो उनके डायलॉग्स हैं। तो आप भी अगर आपकी आवाज़ में दम होता है, आपकी आवाज़ डीप होती है, गहरी होती है, भारी होती है ना, तो वो मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, कोई भी सुनना चाहेगा उस वॉइस को। तो आप कोशिश करो, जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को फॉलो करो। ओम देखो इसमें आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपकी आवाज़ भी गहरी होगी। ओम और किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग इस टाइप से आपने करना है। और जब भी बोलोगे वाइब्रेट करते हुए बोलने की कोशिश करनी है, नाक से आपने एयर रिलीज़ नहीं करनी है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी आवाज़ थोड़ा सा अभी भी पतली है, तो उनके साथ शेयर करना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वर्क करता है और ये वर्क करेगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर।